नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 2019-2020 की। दोस्तों आज टुडे ब्रेकिंग न्यूज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, आज आपकी एक तारीख हो चुकी है 1 जनवरी 2020। तो दोस्तों सभी बच्चों को एक साथ हैप्पी न्यू ईयर। तो नए वर्ष की दोस्तों सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए आज की बड़ी अपडेट सब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों केवीएस के आवेदन क्या हो चुके हैं शुरू। जी हां दोस्तों, केवीएस आवेदन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आइए उसको देखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके सीटेट 2019 रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में, और दोस्तों कितने नंबर आपके बढ़े हैं। क्या दोस्तों ये बच्चों के साथ मजाक हुआ कि क्या हुआ दोस्तों, क्या फेल छात्र आपके पास हुए या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो केवीएस की नौकरी आने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों केवीएस टीजीटी पीजीटी टीचर्स जॉब 2020, 6000 टीचर्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, यहां जाने पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार एक बड़ी वैकेंसी आने वाली। जी हां दोस्तों, 6000 टीचर्स की नौकरी है तो एक अच्छी खासी नौकरी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों केवीएस टीजीटी पीजीटी टीचर जॉब 2020 तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है दोस्तों, जल्द ही केवीएस टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार दोस्तों, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, पर जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। इन पदों के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास की हो। जी हां दोस्तों, जो बच्चे सीटेट में पास होंगे सिर्फ वही बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके सीटेट की, फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। जी हां, तो कल आप फिलहाल दोस्तों 31 दिसंबर को आपके फाइनल आंसर की को जारी किया गया, जो कि दोस्तों इसमें मेंशन हुआ 27/12/2019 की दोस्तों डेट मेंशन थी आपके आंसर की पर। उससे पहले दोस्तों जो आंसर की आई थी वो पहले आई थी। तो दोस्तों अगर आपने आंसर की को चेक किया होगा तो आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन से लेकर 90 नंबर तक के क्वेश्चन में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपने लैंग्वेज वन, जी हाँ दोस्तों लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट ले रखे हैं तो ही दोस्तों आपको उसका फायदा मिला होगा, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट्स में कोई आपको फायदा देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों सीटेट 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगर देखिए अभी तक आपका सीटेट 2019 में आप पास नहीं हो पाए या आपके नंबर अच्छे ना बने हो दोस्तों, तो आप सीटेट 2020 के लिए अभी से जी जान से जुट जाइए। क्योंकि अगर आपको पता है कि दोस्तों जो ये 6000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती आने वाली है, अभी दोस्तों इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं हुआ है होने के लिए। दोस्तों हो सकता है कि जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों हो सकता है तब तक भी इसमें आवेदन शुरू हो जाए, लेकिन दोस्तों ना होने के लिए समय भी लग सकता है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि अगला सीटेट का पेपर सीटेट जुलाई 2020 में होने वाला है। जी हां दोस्तों, सीटेट जुलाई 2020 में आपका पेपर, पूरी उम्मीद है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा सीटेट जुलाई 2019 में पेपर हुआ तो वैसे 2020 में भी हो सकता है। तो आप लोग अभी से तैयारियों में जुट जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। देखिए अभी दोस्तों सीटेट 2019 का रिवाइज रिजल्ट आना बचा है, तो एक बार आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, उस लिंक के माध्यम से आप अपना एक बार रिजल्ट चेक करते रहिए। जैसे दोस्तों आपका रिवाइज रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत चमके और आप 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं आपके। देखिए होगा क्या ना, जो बच्चे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू अलग अलग ले रखे हैं दोस्तों, उन्हीं को फायदा हो सकता है। जैसे किसी बच्चे ने हिंदी इंग्लिश ले रखा है, किसी बच्चे ने हिंदी संस्कृत ले रखा है, किसी ने इंग्लिश और संस्कृत ले रखा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों वहां पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है, तो उससे दोस्तों आपको फायदा और नुकसान पता चलेगा कि आखिर आपके कितने नंबर बढ़े और कितने नंबर घटे। तो दोस्तों अभी इसको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर कितने नंबर बढ़े और कितने नंबर घटे, तो घटना तो सवाल ही नहीं उठता, बढ़े ही होंगे सभी बच्चों के। तो आप वेट करिए रिवाइज्ड रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन बच्चों के नंबर 81 नंबर थे या 80 नंबर बन रहे थे दोस्तों, तो वो बच्चे 80 और 81 से 82 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों के नंबर 285 बन रहे थे, 285-89 तक, तो वो बच्चे 90 तक करीब पहुंच सकते हैं। एक बार आप लोग चेक करते रहिएगा। और दोस्तों उन बच्चों को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, देखिए कि हमने क्या बताया था, अगर आपका एक नंबर बढ़ेगा तो दोस्तों एक नंबर आपका घटेगा भी। तो दोस्तों जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे 82 और 90 नंबर के, तो उनकी किस्मत पलट भी सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी में आपका एक भी नंबर कम होता तो 82 से आप 81 पर आ जाएंगे, 90 से आप 89 पर आ सकते हैं, तो इस बात को भी आपको थोड़ा देखना होगा। तो आप एक बार जब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए होगा। देखिए इस वैकेंसी के बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं कि बता दें दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये भर्ती है दोस्तों, आपकी यूपी में होगी, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों में कुल 6000 पदों पर शिक्षक भर्तियों की नियुक्तियां की जाएंगी। जी हां दोस्तों, इतनी जगह आपकी नियुक्तियां हो सकती हैं।
तो दोस्तों KVS TGT PGT टीचर जो आप 2020 के लिए ऐसे करें अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको आधिकारिक वेबसाइट पर दोस्तों जाना होगा। देखिए इसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रॉपर लिंक दे देंगे, उस लिंक पर दोस्तों आप लोग रोज आइए, चेक करते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा सबसे पहले आप वहां से देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ होम पेज पर दोस्तों KVS TGT PGT भर्ती लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ KVS TGT PGT शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ ले दोस्तों तो क्या है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक कर फॉर्म भरें। KVS TGT PGT शिक्षक भर्ती फॉर्म भरने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर सकते हैं, जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वहाँ मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो KVS की जॉब्स आएंगी उसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करके बता दीजिएगा कि यार आने वाले टाइम में 6000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे कि किस दिन तक आपकी ये शिक्षक भर्ती आ जाएगी, तो दोस्तों हम इसके लिए लगे हैं। और आप लोग जो अपनी तैयारी है दोस्तों आप शुरू कर दियोगे। देखिए जो बच्चे सीटेट पास हो चुके होंगे तो वो अब आगे की तैयारियों में लग गए होंगे, मतलब KVS के लिए। और जो बच्चे अभी दोस्तों सीटेट को पास नहीं कर पाए होंगे तो अभी उनको सीटेट 2020 देखना पड़ेगा। तो अभी आप एक काम करिए दोस्तों, आप लोग रिवाइज रिजल्ट तक वेट करिए कि क्या होता है, कि रिवाइज रिजल्ट जो दोस्तों जारी होगा उसमें हो सकता है कि आप पास भी हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, तो एक उम्मीद आपकी बन सकती है। अगर आपके नंबर ज़्यादा कम है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको प्रॉपर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज से न्यू ईयर आपका शुरू हो रहा है, नया साल दोस्तों आपके लिए हो सकता है कि अच्छा ही रहेगा। देखिए एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों लड़ने वाले ही जीतते हैं। दोस्तों जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, आज नहीं तो कल उन्हें सक्सेस जरूर मिलती है। और देखिए अगर आपके सीटेट में इस बार नंबर कम रहेगा, एक बात को आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, अगर मान लेते इस बार सीटेट में आपके सिर्फ 70 नंबर आए थे, सिर्फ 80 नंबर आए थे, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बार आपने गलती कहाँ पर की है। आपको आपका रिजल्ट देखने पर दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट का नंबर आपको शो हो रहा होगा कि 30 में से किसी में आपने 25 नंबर पाए होंगे, तो किसी में 15 पाए होंगे, किसी में हो सकता है दोस्तों सिर्फ 5 नंबर पाए हो। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कम किसी में पाए तो पहले आप उस पर फोकस करिए। जी हाँ दोस्तों, 5 को अगर आप 20 में बदल देंगे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और जिसमें आपकी अच्छी पकड़ दोस्तों उसको आपको खाली रिवाइज करते रहना है। जैसे आपने किसी में 25 नंबर पाए तो उसको हमेशा आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगली बार पेपर होगा तो दोस्तों सिलेबस तो ही रहने वाला है, सिलेबस में तो बदलाव होगा नहीं। तो आप 25 नंबर को बरकरार रख सकते हैं, जिसमें आपके 15 है उसको थोड़ा बहुत और पढ़ते रहिए, 15 से इसको 20 बनाइए, 5 जिसमें सबसे ज़्यादा कम उसको सबसे ज़्यादा पढ़ें। तो ये आपको फोकस करना है। देखिए आपका जो सिलेबस होगा वो चेंज तो होने वाला नहीं, जो अगला पेपर होगा सिलेबस तो ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप पढ़ाई करेंगे तो आप अगली बार अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। और बता दें जो बच्चे KVS की तैयारी में लगे तो वो बच्चे डरे ना। देखिए हर बार जो सीटेट का रिजल्ट अभी आपने इस बार देखा कैसा आया, आपको पता ही होगा लगभग 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, उससे अधिक बच्चों ने, लेकिन पेपर आपका 24 लाख बच्चों ने दे दिया था। रिजल्ट में दोस्तों लगभग 5,42,000 समथिंग बच्चे पास होते हैं, ये आपने देखा ना, मतलब इतने बच्चे पास क्यों नहीं हो पाते। देखिए अधिकतर बच्चे क्या होता है, डर से ही फेल हो जाते हैं। और दूसरा रीजन दोस्तों होता है सीटेट में जो सबसे बेकार अभी तक हमें भी लग रहा है कि जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू वाला मैटर इनका, ठीक है ना, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। दोस्तों अगर किसी बच्चे ने लैंग्वेज वन में हिंदी ले रखा है और लैंग्वेज टू में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है, तो दोस्तों उसको ऐसा क्यों नहीं करते कि लैंग्वेज वन में सिर्फ उसको जब पेपर उसको दिया जाए बच्चे को तो उसके में खाली यही दिया जाए। अब उसके लैंग्वेज वन में हिंदी भी दिया जाता है, इंग्लिश भी दिया जाता है, बेमतलब के सब्जेक्ट्स, तो यही बच्चों की गलती होती है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि सीटेट 2020 में इस गलती को अपनी सुधारें कि बच्चों का इससे पेपर खराब होता है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में गलती कर जाते हैं, जो बच्चे अधिकतर फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं वो टेंशन में रहते हैं, अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जो बच्चे भाई पेपर दे रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, लेकिन ये दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो देखते हो कि यार सिर्फ 22.55% बच्चे पास हुए हैं, क्या किसी बच्चों को कुछ आता नहीं था कि पेपर इतना ज़्यादा कठिन था, ऐसा नहीं था। अगर दोस्तों मान लेते अगर आपने लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में गलती कर दी तो मतलब आप 30 क्वेश्चन के साथ सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब आप सही क्वेश्चन टिक कर रहे हैं लेकिन दोस्तों उसका आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपने गलत पेज को चुन लिया, गलत टॉपिक को चुन लिया। तो दोस्तों यही गलती होती है। तो उम्मीद करेंगे कि सीटेट 2020 में इसको सुधारें। और दोस्तों अगर किसी ने बच्चे ने लैंग्वेज वन में अगर हिंदी ले रखा है तो दोस्तों जब उसको बुकलेट मिले तो वहाँ सिर्फ लैंग्वेज वन में हिंदी दिखे, इंग्लिश ना दिखे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब अगर दोस्तों आपका ऑनलाइन पेपर होता है ना, ये आपको फ़ायदा मिलता है।
तो यही सब दोस्तों फायदे ऑनलाइन पेपर में देखने को मिलते हैं। आप जो लेते हैं सिर्फ वही आपको देखने को मिलता है, जो नहीं लेते वो सब नहीं दिखता। तो दोस्तों ये सब जरूरी चीजें हैं, तो उम्मीद करेंगे सीटेट इसको सुधारेगा, नहीं तो बच्चों की जो फेल होने वाली तादाद रहती है वो हर साल ऐसे ही बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। तो इस बार काफी बच्चे फेल हुए हैं, तो दोस्तों आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी फिलहाल केवीएस के लिए आवेदन शुरू नहीं हुआ, अभी आपकी देखिए सीटेट के फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने अभी फाइनल आंसर की ना देखी तो दोस्तों इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप अपनी पहले फाइनल आंसर की देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो रिवाइज रिजल्ट के लिए दोस्तों इसका भी हम लिंक दे देंगे, उसके बाद अपना आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे कि आखिर आपके एक भी नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। फिर दोस्तों और चीजें जो केवीएस वाली बात होगी उसको अपडेट आपको करते रहेंगे कब से आपके आवेदन शुरू होंगे। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों न्यू ईयर है तो आज इसको आप सेलिब्रेट करिए, आज के दिन परेशान मत होइएगा, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।